नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, बीपीएससी की तानाशाही, मनमानी, अन्याय और भ्रष्टाचार के खिलाफ कल मंगलवार 29 नवंबर को दिन के 12 बजे बीपीएससी ऑफिस के आगे महा आंदोलन होने जा रहा है। आप समस्त छात्र छात्राओं से अपील है, आग्रह है कि कल 29 नवंबर को आप लोग 12 बजे बीपीएससी ऑफिस पहुंचिए। ये लड़ाई सिर्फ आज की नहीं है, ये लड़ाई सिर्फ 67वीं बीपीएससी के लिए नहीं है, ये लड़ाई बिहार के युवाओं के भविष्य के लिए है, ये लड़ाई भविष्य के पीढ़ियों के लिए है, आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए लड़ाई है। जो कि अगर इस समस्या को, इस धांधली सेटिंग को, इस गड़बड़ी को अभी दूर नहीं किया गया तो आगे 68वीं हो या और भी कोई परीक्षा, उसमें भी इस तरह की गड़बड़ियां, इस तरह की धांधली सेटिंग चलती रहेगी। आप सभी देख रहे हैं कि 67वीं बीपीएससी पीटी पुनर्परीक्षा के रिजल्ट में कितनी गड़बड़ियां हुई है, 9 प्रश्न के उत्तर गलत दिए गए हैं। तो हम लोगों की सबसे पहली और प्रमुख मांग है कि जितने प्रश्नों का उत्तर गलत है, हम लोगों ने 9 प्रश्नों का उत्तर गलत है इसका साक्ष्य भी बीपीएससी को दिया है, तो इतना कटअप हर कैटेगरी में कम करके एक्स्ट्रा रिजल्ट दिया जाए और बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक को पद से हटाया जाए। रिजल्ट के पीडीएफ में जो छेड़छाड़ हुई है, ओएमआर में सीट में जो छेड़छाड़ हुई है, उसकी सीबीआई जांच या न्यायिक जांच करवाई जाए, पेपर लीक की न्यायिक जांच या सीबीआई जांच कराई जाए। इन्हीं मांगों को लेकर कल 29 नवंबर मंगलवार को 12 बजे बीपीएससी ऑफिस में आंदोलन है। आप सभी आइए। और हमारी मांग सरकार से है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से है कि नीतीश कुमार जी इसमें हस्तक्षेप करें। और नीतीश कुमार जी को अगर लगता है कि ये लाखों स्टूडेंट्स झूठ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, तो फिर नीतीश कुमार जी खुद से एक एक्सपर्ट टीम बना दे शिक्षकों की, और वो एक्सपर्ट टीम जो भी आंसर को सही मानेंगे या गलत मानेंगे, हम लोग उसको स्वीकार करने के लिए भी तैयार है। लेकिन अमरिंदर कुमार जी के द्वारा बनाई गई एक्सपर्ट टीम को हम लोग नहीं मानते हैं, उस टीम पे हमें कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि वो वही लोग हैं जिन्होंने प्रोविजनल आंसर की दिया, फाइनल आंसर की दिया, और फिर अभी जो हम लोगों ने आपत्ति जताया उसके बाद उन्हीं लोगों को बुलाकर फिर से आंसर लिया गया। तो ये अमरिंदर कुमार जी के द्वारा बनाई गई टीम है जो 64वीं में भी गड़बड़ी किए थे और गलत उत्तर दिए थे, तो ऐसी टीम पे हम लोग कोई भरोसा नहीं करते हैं। इसलिए हम लोगों की अब मांग सरकार से है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से है कि नीतीश कुमार जी या तो परीक्षार्थियों की बात मान ले और 9 नंबर हर कैटेगरी में कट ऑफ कम करके एक्स्ट्रा रिजल्ट दिलवा दें, आदेश दें बीपीएससी को, या फिर नीतीश कुमार जी खुद शिक्षकों का एक पैनल गठित करें और वो पैनल जो भी डिसीजन देगा गलत उत्तर पे, हम लोग उसको मानने के लिए तैयार है। लेकिन रिजल्ट में जो गड़बड़ी हुई है, पीडीएफ में जो छेड़छाड़ की गई है, ओएमआर सीट में छेड़छाड़ की जो बात आ रही है, तो इसके लिए न्यायिक जांच या सीबीआई जांच नीतीश कुमार जी कराएं और अमरिंदर कुमार जो परीक्षा नियंत्रक और सचिव भी है उनको पद से हटाया जाए। इन्हीं मांगों को लेकर कल बीपीएससी ऑफिस 12 बजे, कल यानी मंगलवार 29 नवंबर को 12 बजे बीपीएससी ऑफिस गेट पे आप लोग आइए और हम लोग का आंदोलन शांतिपूर्वक लोकतांत्रिक तरीके से होगा। और याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा कि किसी भी तरह की हिंसा नहीं होनी चाहिए, एक कागज का टुकड़ा भी किसी पे नहीं चलना चाहिए हम लोगों की तरफ से। हम लोग बस शांतिपूर्वक आंदोलन करेंगे और लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए आंदोलन करेंगे, किसी भी तरह की हिंसा तोड़फोड़ ये कतई मंजूर नहीं होगा। तो आप लोग जानते हैं हमारे आंदोलन का क्या सिद्धांत है, किस तरह से आंदोलन होता है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। और आप सभी बीपीएससी अभ्यर्थी हैं, अधिकारी बनने के लिए आप लोग तत्पर हैं और अधिकारी बनने की ओर अग्रसर है, तो इस बात का भी ख्याल रखिएगा कि किसी भी तरह का कोई आपत्तिजनक बात भी ना कोई बोले, चाहे वो मीडिया के सामने हो या कहीं भी हो, किसी भी तरह की आपत्तिजनक बात नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरह का पॉलिटिकल बात नहीं बोलना है, सिर्फ अपने मुद्दे पे फोकस करना है। हम लोगों को कोई राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं, किसी नेता से कोई लेना देना नहीं, हमें अपने मुद्दे पे जो हमारी मांग है उस पे हमें फोकस करना है। जो भी छात्र छात्राएं मीडिया के सामने बोले या कहीं भी बोले, जो हमारा डिमांड है बस उसी बात को रखना है, ना तो किसी नेता के खिलाफ कुछ बोलना है, ना ही किसी और के खिलाफ या किसी पार्टी के खिलाफ, ना ही समर्थन में ना विरोध में बोलना है। हमारा जो मुद्दा है उस पर हमें फोकस करना है और सरकार से, मुख्यमंत्री जी से, उप मुख्यमंत्री जी से हमें मांग करनी है जो हमारा मुद्दा है। और मुद्दा आप सबको पता है कि 9 नंबर कट ऑफ कम करके हर कैटेगरी में एक्स्ट्रा रिजल्ट दिया जाए और अमरिंदर कुमार को हटाया जाए। जो ये बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी जो अब एपीएससी बन गया है, अमरिंदर पब्लिक सर्विस कमीशन, अमरिंदर लोक सेवा आयोग जो बन गया है, तो हम लोग मांग करते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कि सबसे पहले अमरिंदर कुमार को हटाइए और एपीएससी को आप बीपीएससी बनाइए, बिहार लोक सेवा आयोग को फिर से बिहार लोक सेवा आयोग बनाइए, बिहार लोक सेवा आयोग को फिर से आप बिहार लोक सेवा आयोग बनाइए मुख्यमंत्री जी, तभी बिहार के लाखों युवाओं के साथ न्याय होगा। और आप जितने भी अभ्यर्थी हैं, चाहे आप पटना में हो या बिहार के किसी जिले में हो,
आप सभी कल जरूर आइए, घर मत बैठे रहिए। दिल्ली के भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बहुत सारे साथी दिल्ली से आ भी चुके हैं और बहुत लोग आ भी रहे हैं, उन सबको हम धन्यवाद देते हैं। चाहे आप बिहार से बाहर से आ रहे हो या बिहार में कहीं भी हो, कल जरूर आप आइए, शामिल होइए आंदोलन में। और ये किसी एक की लड़ाई नहीं है, ये दिलीप कुमार की लड़ाई नहीं है, ये बिहार के भविष्य की लड़ाई है, ये बिहार के आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए लड़ रहे हैं हम लोग। सिर्फ सरसठवीं के लिए नहीं रहे हैं, सिर्फ सरसठवीं पीटी के लिए हम लोग नहीं लड़ रहे हैं, इस बात को याद रखिए। ये मानक तय होगा, ये आगे का रास्ता तय करेगा कि बिहार किस दिशा में जाएगा, बिहार का भविष्य कैसा होगा, बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं का क्या रुख होगा, क्या भविष्य होगा, क्या इसी तरह धांधली सेटिंग होती रहेगी। तो ये बिहार के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, और कोई भी लड़ाई एक दिन में नहीं जीती जाती, इस बात को भी याद रखिएगा। परसेंटाइल के लिए देखिए, हम लोगों ने आंदोलन किया, नीतीश कुमार जी ने खुद हस्तक्षेप किया और परसेंटाइल को वापस लेना पड़ा बीपीएससी को। तो हम यही उम्मीद फिर नीतीश कुमार जी से कर रहे हैं। हमारा विरोध किसी नेता या पार्टी का नहीं है, हमारा विरोध सिर्फ इतना है कि हमारे साथ, बिहार के युवाओं के साथ, बिहार के छात्र छात्राओं के साथ जो अन्याय हो रहा है, उस अन्याय के खिलाफ हम लड़ रहे हैं और सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि युवाओं के साथ आप न्याय कीजिए। और दिल्ली के जो भी छात्र छात्राएं हैं, जो दिल्ली में इस वक्त है, जो पटना नहीं आ पाएंगे कल, जो दिल्ली में ही रहेंगे, उनसे आवेदन, उनसे हम आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग कल बिहार भवन जाइए और वहां पे एक मांगों से संबंधित एक ज्ञापन वहां सौंपिए, शांतिपूर्वक जाकर बिहार भवन में एक ज्ञापन सौंपिए मुख्यमंत्री जी के नाम से। जो भी हमारा डिमांड है, जो हमने बता दिया, आपका भी कोई डिमांड हो तो उसमें शामिल कर दीजिए। जैसे बहुत सारे लोग बोले अड़सठवीं मेंस का डेट भी बढ़ना चाहिए, उसको भी आप शामिल कर सकते हैं, निश्चित रूप से बढ़ना चाहिए अड़सठवीं मेंस का डेट। तो आप लोग जो भी आपका और मुद्दा हो उसको शामिल करके, जो दिल्ली में कल रहेंगे, पटना नहीं आ पाएंगे, उन साथियों से, उन छात्र छात्राओं से आग्रह है कि आप लोग बिहार भवन जाकर, आप लोग 11 से 12 बजे के बीच आप लोग वहां बिहार भवन पहुंचिए और शांतिपूर्वक वहां ज्ञापन दीजिए, जो डिमांड है हमारा, और सरकार से मांग कीजिए, मुख्यमंत्री जी से मांग कीजिए, जो हमारा डिमांड है। तो जो लोग दिल्ली में रहेंगे कल, वो बिहार भवन जाकर ज्ञापन सौंपिए, और जो लोग दिल्ली से पटना आ रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, जो नहीं आ पाए उनसे भी आग्रह है कि आप बिहार भवन जाकर अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपिए। और हम लोग राज्यपाल महोदय को, मुख्यमंत्री महोदय को भी ज्ञापन देने जा रहे हैं यहाँ भी पटना में, और कल आंदोलन भी होगा। तो आप सभी लोग घर मत बैठे रहिएगा, क्योंकि आज अगर चुप रहिए, अगर अभी आप चुप रह गए तो आगे आने वाली पीढ़ी आपसे सवाल करेगी कि जब 9-9 प्रश्नों का उत्तर गलत दिया गया, जब इतनी धांधली सेटिंग हुई, तो आप चुप क्यों बैठे थे, उस समय हमारे पास, आपके पास क्या जवाब होगा। अगर आज हम लड़ते हैं तो हम आगे आने वाली पीढ़ी को ये कह सकते हैं कि जब गलत हुआ, अन्याय हुआ, तो हम उसके खिलाफ लड़ाई लड़े, परिणाम क्या होगा कोई नहीं जानता, लेकिन इतना तो हम कह सकते हैं ना कि हम उस अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़े। तो यही हमारी बड़ी उपलब्धि होगी कि कम से कम हम चुप नहीं रहे अन्याय के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ हमने आवाज उठाई। आगे क्या परिणाम होगा कोई नहीं जानता, कोई भी लड़ाई परिणाम सोचकर नहीं लड़ी जाती है, बस अन्याय के खिलाफ संघर्ष करना है, परिणाम आगे खुद ब खुद आएगा। बस कर्म करना है हमें, कर्म करना, अच्छा कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करनी है। आगे ईश्वर देख रहे हैं कि कौन गलत कर रहा है, हम लोग सही है, सच्चाई के रास्ते पे हैं, अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिए, हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, हम लोग लोकतांत्रिक ढंग से शांतिपूर्वक आंदोलन कल करेंगे। और 12 बजे कल 29 नवंबर मंगलवार को 12 बजे आप लोग बीपीएससी ऑफिस पहुंचिए और शांतिपूर्वक लोकतांत्रिक ढंग से हमें आंदोलन करना है। किसी भी तरह का आपत्तिजनक बात नहीं बोलना है, कोई आपत्तिजनक नारा नहीं लगाना है, किसी नेता के खिलाफ कोई आपत्तिजनक शब्द नहीं बोल रहा है, या किसी पार्टी या नेता के खिलाफ कुछ बोलना ही नहीं है। हमारी मांग सिर्फ सरकार से है, जो हमारा मुद्दा है उसको फोकस करना है। तो आप लोग जितने भी छात्र छात्राएं हैं, बिहार की बेटियां हैं, और हमें खुशी हो रही है कि बिहार की छात्राओं का भी बहुत फोन आ रहा है मेरे पास, और वो लोग भी जो बिहार की बेटियां हैं, वो लोग भी कल बहुत ज्यादा संख्या में आंदोलन में आ रही है। जिस तरह से परसेंटाइल में आई थी छात्राएं सड़क पे, उसी तरह से फिर से आ रहे हैं, उससे ज्यादा की संख्या में आ रही है। तो आप जितने भी छात्र छात्राएं, घर मत बैठे रहिएगा, कल 12 बजे, कल यानी कि मंगलवार 29 नवंबर को 12 बजे बीपीएससी ऑफिस गेट के पास आप लोग जरूर आइए। धन्यवाद। जय हिंद।